टमाटर कैसे दिए अरलीन? 50 रुपए। टमाटर भी 50 रुपए, प्याज भी 50 रुपए। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया अमेजोन से, क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा था बाहर जाके देखने का, है ना। तो जप्पू खोल जा रहा इसको। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए। सो गाइज, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, सो के उठ के नीचे आ गई हूँ मैं भी और जप्पू भी। जप्पू गया वॉशरूम और मैं आई हूँ अंदर रूम में। तो सब्जी बनानी है, आलू मटर मैं सोच रही हूँ बना लेती हूँ। 6:40 हो गए, अभी फटाफट सब्जी रख देती हूँ, है ना। और जप्पू तो मिस्सी रोटी लेके जानी है, और मच्छरों ने जीना हराम किया सही में यार। इतने मच्छर है ना, इतने ज़्यादा मच्छर, क्या ही बताऊँ मैं। तो अभी जप्पू आता तो फिर उसको नहलाऊंगी, जब तक मैं सोच रही हूँ फटाफट से मसाला कट कर लेती हूँ। सो गाइस, सब्जी बनाने की तैयारी मैंने कर ली है। 2 प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च मैंने कट करके धो लिए इनको, और टमाटर तो धो के ही डाले मैंने इसके अंदर पहले से। इसकी बनाऊंगी प्यूरी, और ये तो कट कर, इसकी भी प्यूरी धोगी, प्यूरी अलग अलग बनाऊंगी, ठीक है। फटाफट से मसाला रेडी करती हूँ। सो गाइस, मेरा मसाला सब्जी का रेडी हो गया है, और यहाँ पर आलू मटर भी रेडी है, वॉश करके मैंने डाल दिए कुकर में। फटाफट मसाला मिक्स कर रही हूँ क्योंकि जप्पू का टाइम हो गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनू व्लॉग्स। अब कैसे हो? करता हूँ, बहुत अच्छे हो गए। आप शुरू में कर चुकी हूँ मोटे, आप मेरे को रोज बताते ही नहीं हो। बताऊँ क्या मैं तेरे को? पता नहीं, मैं सुबह आगे व्लॉग शुरू कर लूंगी। फिर भी अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, बस अभी पटका नहीं बांधा है। आज मैं लेके जा रहा हूँ, 2-3 दिनों से ना मेरे को अच्छा लंच मिल रहा है आजकल। अच्छा, 2 दिन, आज दूसरा ही दिन है तेरे को स्कूल जाने का, 2-3 दिन कहाँ से हुए? 2 दिन। आज मेरे को मिस्सी रोटी, दाल वाली रोटी जिसको भी कहते हैं। मैंने कल थोड़ा सा ज्यादा आटा गूंदा था, क्योंकि मुझे पता जप्पू की फेवरेट है। yes. मैंने कहा कल जप्पू को दे दूंगी, क्योंकि कल जप्पू चला गया था, है ना। मैक्रोनी लेके, मैक्रोनी। गाइस, अभी हमारे साथ रेडी, अभी हम नीचे आ रहे, लोग वो सब कर दिया, फिर याद आया मम्मी को बैग खड़े कल निशा दीदी घर, मम्मी बैग छोड़ाए थे, फिर मैं लेके आया था। आज फिर मम्मी ने बैग छोड़ दिया था, आज फिर लेके आई है। पहुंचा हुआ मैं ऊपर नहीं चढ़ता, आप ही चढ़ बोला तो मैंने ही है, पर मैं आपको बोल के आया था तो बैग ले लो, याद आपको आया ना। मैं भी तभी बोला, आज कैसे भी लग रहे हो खाली खाली, पापा से मिलवाते हैं अभी। हेलो गाइस, करवाते हैं आपकी खुश। हेलो गाइस, हेलो गाइस, सर ऑटोग्राफ दे दो। चलो ठीक है, अभी चलते हैं स्कूल, लेट हो जाएंगे, सीट नहीं मिलेगी। सो गाइस, जप्पू ने अपनी एक ड्यूटी पूरी कर दी है, जप्पू को स्कूल छोड़ के अभी जा रहे दूसरी ड्यूटी पूरी करने। yes. अब मेरे को छोड़ेंगे जिम। सो गाइस, अभी घर पे आ गई हूँ, चेंज कर लिया है, आते ही ज्यादा टाइम तो होता नहीं है मेरे पास, मुझे किचन में आना पड़ता है। बर्तन धोने वाले हैं, और यहाँ पर मेरी आलू मटर की सब्जी बन के हो गई है रेडी। फटाफट से राइस रखने लगी हूँ, क्योंकि रुको का टाइम हो गया नीचे आने का ना, 10 बज गए हैं। फटाफट राइस रखती हूँ, आटा गूंथती हूँ, ब्रेकफास्ट देना, लंच पैक करना है, फटाफट करती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। तो भी मैं वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग करती हूँ, मैं अलग करती हूँ, जप्पू अलग करता, आप अलग करते हो। हाँ तो कोई बात नहीं, और परांठे लोगे? नहीं तो अभी मैं नहा धोके हो चुका हूँ, मैं रेडी तैयार हो चुका हूँ। यहाँ पे मेरा आ चुका है ब्रेकफास्ट, आलू मटर की सब्जी बना, अभी बनाई है, रात की बनी हुई है। तो सुबह सुबह आज हरली ने बनाई आलू मटर की सब्जी, साथ में परांठे, और दोपहर को लेके जाऊंगा आलू मटर और राइस। तो ये देखो, ये बना दिए आलू मटर, सफल मटर है ये? नहीं रुको, अरे मैंने सफल मटर भी हरे होते हैं, सफल मटर मैं नहीं बनाती, वो पता नहीं कब से फ्रोजन किए होते हैं, स्वाद भी नहीं बनते वो, नहीं मेरे को अच्छे नहीं। तो मैं खा रहा था, फटाफट ठंडे हो रहे हैं। सो गाइस, डुगू रेडी हो गए हैं, ओए होए, नवी नवी जैकेट, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। अच्छा तो मैं अच्छा हूँ, लंच पैक है ना, बना के देती ना, तो मेरा लंच बना देते। वॉलेट चेक, रोटी चेक, चलो बाय, रोशनी आ रही है, बाय बाय, बंद है ये तो। मैं सुने उचिया दी, यार मैं सुबह से ये लगाना सुन रही हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली अपनी,
नितु दिल दे चार चुफेरे नाले सांभ के रख दिया कोई दिल से ना लाए मेरी छुट्टी। कैमरा साफ है, उधर रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की, यहाँ पे देखो आके बिल्कुल क्लियर है। मैं जब गाना गाती हूँ ना तो मेरी सिस्टर सुबह मुझे पता क्या कह रही थी, कह रही मैं वो दिन चाहती हूँ कोई तेरे को ना चांटे मार के तेरा गाने बंद करवाए। सो गाइज ना हाँ के घर का सारा काम खत्म करके मैं हो चुकी हूँ रेडी, और सही बताऊँ तो मुझे अपना कोई भी कपड़ा अपने ऊपर अच्छा ही नहीं लग रहा। आप अगर शीशे में देख रहे हो तो ये देखो पीछे से दिख रहा होगा आपको कितना लूज हो गया मेरा टॉप। मुझे अपना कोई भी कपड़ा नहीं अच्छा लग रहा, ये देखो सारे के सारे कपड़े खुले हो गए हैं। गर्मियों के पहन रही हूँ तो वो खुले हैं, पर सर्दियों वाले कपड़े इतने खुले नहीं हैं क्योंकि वो तो वैसे ही बॉडी फिटेड होते हैं ना, तो जैसे कपड़ा वुलन पहनो वैसी शेप ले लेता है। तो गर्मियों अभी सर्दियों के प्रॉपरली पहने नहीं जा रहे हैं क्योंकि मौसम सर्दी वाला उतना है नहीं, और गर्मियों के पहन रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ही लूज़ लग रहा है, इरिटेशन हो रही है मुझे ना। बाकी चलो जप्पू का टाइम हो गया, उसको लेके आते हैं स्कूल से। ए जप्पू, क्या हाल चाल? बढ़िया गया स्कूल में डे? यार मैं म्यूजिक में सिलेक्ट हो गया। म्यूजिक में मैंने मतलब गुरुपुरब पे वो शपथ गाने हैं। ये तो बहुत अच्छा काम करके आया तू। पगड़ी पहन ली है मैं। अच्छा गुरुपुरब पे पगड़ी कैसे पहनेगा, तो चार पंडित हो गई तेरी। पाठ होने ना स्कूल के। अच्छा पगड़ी तो पहना नहीं है चार का। सर ने बोला? सर ने बोला पगड़ी पटका भी पहन सकते हैं। कंपल्सरी बोली है पगड़ी पहननी। तो तूने कहना था ना सर मेरी तो भी दस्तार बंधी हुई है। मेरे को खुद पता नहीं था भी। कल बोल दियो जाके। साइंस का पूछ के आए जी टाइम मिला मैं आने है। तो बगैर एक मिनट करा वो मैम ने फिर अलग कर देना ना। अच्छा लंच फिनिश कर लिया? पक्का? सोच सोच के बातें मैं इससे पूछूं, ये कर लिया था कर आया ये। गाइस अभी यहां पर मेरा लंच आ गया है, आलू मटर राइस। मेरे को आ रही है बहुत तेज की नींद, फटाफट खा के सो जाऊंगा, आज मैं पढ़ूंगा भी नहीं। सो गाइज अभी ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और मैं हो गई हूँ फ्री, और मुझे और जप्पू को लगी थी बड़ी तेज वाली भूख, तो जप्पू कहता मम्मा मैक्रोनी बना लेते हैं, और जैसे मैंने उस दिन डिलीशियस वाली बनाई थी ना पूरी डेकोरेट करके, तो वो तो मेरा खाने का मतलब था ही नहीं, अनहेल्दी थी तो मैं रोज रोज तो खाऊंगी नहीं ना, तो बैम्बिनो बना ली मैंने और वैसे उसको डेकोरेट कर दिया, तो उसी में अभी दिल खुश हो जाएगा है ना, हेल्दी भी है, तो मैं आज जप्पू खाने लगे बैम्बिनो। सो गाइस जो नीचे आ गए हैं, हमको बुला लिया है नीचे, सब्जी का थाला लेके चले नीचे नीचे नीचे। जप्पू कह रहा हाय मम्मी पतले हो गए हो आप, है जप्पू? नहीं हुए। खा मेरी कसम, गॉड प्रॉमिस कर, सिर पे हाथ रख मेरे। मैं कसम नहीं खाता। झूठा कहीं का, अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाता है। चले चलो चलिए। रोज 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 चीट चल रहा ना आपका। फिर तू तो पी नहीं रहा सूप? झूठा झूठा है एक नंबर का। क्या करी जा रहे हो, गंदबाजी खलेर रहे हो व्लॉग में? तो अभी आए यहाँ पे सब्जी मंडी सब्जियाँ लेने के लिए। अभी ली जा रही गोभी 2 फूल लिए, मटर लिए 1 किलो जो कि है 50 रुपए, गोभी 20 रुपए। तो ये इतनी सारी सब्जी हमने ले ली है जिसमें मेथी, बैंगन, छोटा बैंगन, मूली और गाजर, सो जाके प्याज हो चुका है 50 रुपए किलो, बहुत महंगे प्याज हो गए है ना, पर तुम कम मत डालना सब्जी में। आपने देखा नहीं मैं छोटे आलू क्यों ले रही? क्यों? क्योंकि ये टेस्टी बहुत लगते आलू। टमाटर कैसे दिए अरलीन? 50 रुपए। टमाटर भी 50 रुपए, प्याज भी 50 रुपए, दोनों ने मिलके लगता है करिए यहाँ पे सेटिंग। सो गाइस घर पे आ गए हैं और जो सब्जियां लाई थी वो सब संभाल दी हैं मैंने। प्याज 50 रुपए किलो हो गया, टमाटर भी तो मैं 1-1 किलो ही ले आई हूँ, अभी क्या पता 2-4 दिन में सस्ते हो जाए, है ना डगू? तो प्याज और टमाटर ले आए हैं 1-1 किलो, और बाकी और कुछ सब्जियां ली हैं, गोभी ली है। रुपाली जी ने मैसेज किया था मलाई की सब्जी बहुत दिन से बनाई नहीं, क्या चक्कर है? दूध नहीं उबालिया, दूध आ ही नहीं रहा, आज ही आया दूध घर पे, दूध आज घर पे आया है, बॉयल करेंगे सुबह फिर बनाएंगे मलाई की सब्जी, ठीक है। और वैसे बहुत सारी सब्जियां ली हैं, गोभी ली है, मटर लिए हैं, और मेथी ली है, और पेठा लिया है, घिया लिया है। नींद आ रही है, डुगू कह रहे मैंने खाना नहीं खाना, क्योंकि ये दोनों ना रोल खा के आए और सूप भी पी के आए हैं। इतना सारे नहीं खा के आए, खाए तो रोल खाए बस। दो जप्पू ने, दो पापा ने, तूने क्या खाना है?
ये कह रहे हैं दूध वाली सेवियां खानी है, तो मैं भी खाऊंगी थोड़ी सी, ठीक है। और हमने एक एयर फ्रायर मंगवाया था, एयर फ्रायर, हाँ एयर फ्रायर मंगवाया था आपके सामने, तलावा बाहर से ना खाना पड़ेगा। या अगेन मैं बहुत ध्यान करता हूँ, ज्यादा हो गया डुगो। अनबॉक्स करूंगा उसको, अभी हम उसको अनबॉक्स करने लगे हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया अमेजोन से, क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा था बाहर जाके देखने का, है ना। फिर वहां पे जाके और मॉडल मिलते, फिर तुम कहती ये लो, ये मैंने अपनी पसंद का मंगा लिया, नालसा का टेस्टी फ्राइड डिजिटल एयर फ्रायर। इसके अंदर सब कुछ बनता है, आप बुक है इसके अंदर में। हाँ चल चप्पू अनबॉक्सिंग कर, जोर से बोलो, आराम से करियो। तो जप्पू से खोला नहीं, जप्पू की मम्मी को बुला लिया गया। दो मिनट हाथ भी लगा बिल ऊपर। हाँ कोई बात नहीं, बिल इसका ये पड़ा है, बिल पड़ा ना, फाड़ दो ना इसको फिर। हाँ ज्यादा अंदर मत करना चाकू, पूरी अच्छे से टेपिंग करके भेजिए, भावे चाकू मेरे ही हाथ से लग जाए। तो मैं खोलना नहीं आ रहा ढंग से, ऐसे नहीं खुलता कभी भी, चारों तरफ से टेपिंग है। हाँ तो ऐसे नहीं, चाकू ऐसे नहीं जाता इसके अंदर, कैसे जाता है, अंदर जाके उसको खींचना पड़ता चाकू। हाँ अंदर करो, हाँ ऐसे मैं खोलूंगा। अब खोलने दो उसको, नहीं खोला मैं, तो सब यार अंदर भी बॉक्स है, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बे में डिब्बा, पड़ जाएगा डिब्बा, छोड़ दे सामना भी बाद सामना क्यों है, सेंस बाहर थोड़ा ना पड़ा रहेगा, बाहर ही तो रखना है, उसको डब्बे के अंदर थोड़ा रखा जाएगा, डबल पैकिंग है, कोई बात नहीं तोड़ेगा, टूटेगा तभी नहीं आएगा ना, उल्टा खोल रही हो तुम, उल्टा ही तो निकलेगा। मम्मी मैं खोलूंगा, डब्बा ना तोड़ी, देखो उसकी बाहर से लुक ये है नालसा, मेरी ये मम्मी को दे, मम्मी समझेगी, मोमोज भी बनेंगे इसमें, मोमोज हम खाते ही नहीं है, ची अंदर वो भी है क्या, 50+ रेसिपी है, ये देखो सब कुछ हर किसी की रेसिपी भी है साथ। हाँ तो इसमें फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज डिग्री भी लिखी होगी ना इसमें, पोटैटो स्किन, हेलो जप्पू के बर्थडे पे अब इसी में बन जाएगी ना फ्रेंच फ्राइज, इसमें करना है कपड़े बनती रहेगी, राजस्थानी बाटी पोटैटोज और ग्रेटिन। आप पहले ये निकालो, ये बुक दिखाओ, देखो ये तोड़ेगा डुगो, मैंने भी तो ऐसे निकाल रहा था। तो हरलीन को खोलना नहीं आ रहा बिल्कुल, यहाँ रखो टेबल के ऊपर लेवल पे, जैसे आप खोल रहे हो। हाँ ऐ पढ़ी लिखी अनपढ़ेगी ना, आप पढ़ लिख लाओ ना, इधर रखो तुम टेबल पे, तो रखो टेबल पे, तो रखो यहाँ कभी जो बोल रहे हो आप, ये तो करो ना फिर, करो फिर, तो चप्पू खोल जरा इसको, ये आराम से खोलन नहीं दिया, एक दिन भी नहीं होया। इसके बीच में ट्रेल डलती है ना, ये वाली इसके बीच में ट्रेल डलेगी, छन्नी नहीं है ये, इसके बीच में डालिए, इसके बीच में रख इसको, कहां नहीं आएगी बीच में, अरे ऐसे रखी जाती है ये, ऐसे कैसे रखी जाती है, हाँ ऐसी होगी कहीं पे, पता नहीं अब मम्मी देख लेगी, ऐसे कहीं रखी जाती है, इसके ऊपर रखा जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना अच्छा है कि गंदा है, कैसा है ये, अब हम इसको सीखेंगे कैसे होता है। इसकी डाउनलोड एप्लीकेशन भी अरलीन डाउनलोड करते हैं अभी। तो डिनर हम कर नहीं रहे अभी, खा रहे हैं हम यहाँ पे सेवियां दूध वाली, हरलीन भी यहाँ पे खा रही है, ठीक है। तो गाइस कर देते इस वीडियो का एंड, हमारी आज की वीडियो आज का लगभग शेयर की था, उससे पहले हम यहाँ पे टाइप करना सीख रहे हैं, तो कर देते इस वीडियो का एंड, ओके नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata, bye bye.